हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी। दीपावली चैप्टर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब उसके शब्द के अर्थ है वो आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोगों को ये सब फिर नोटबुक में वन टाइम लिखना है। ये शब्द के अर्थ है, आप सब ध्यान दीजिए। चहल पहल यानी रौनक। मिठाई, मीठी चीज, स्वीट हम खाते हैं ना वो। पपीता, एक प्रकार का फल। माताजी, माँ, अपनी माँ को हम क्या बोलते हैं, माताजी। टहलना मतलब घूमना। दीपक, दीपक यानी दिया। हम दीपावली में दिए जलाते हैं ना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, दीपक, बराबर। टहलना यानी घूमना। ताली, ताली बजाना। हम क्लैंप करते हैं ना, ताली बजाते हैं ना, कोई बात होती है तो खुश होकर हम ताली बजाते हैं ना, वो ताली बजाना। आगे है उसका अभ्यास, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। एक्सरसाइज आप ध्यान से सब देखिए और समझिए। अभ्यास एक्सरसाइज, विलोम शब्द है कुछ ऑपोजिट वर्ड्स जो आप लोगों को लिखना है। दिन रात, मित्र शत्रु, बाहर अंदर। जोड़ कर लिखो, ये आप लोगों को ज्वाइंट करके लिखना है। जो शब्द बने हैं वो लिखना है। समझ में आती है बात। एक वचन तथा बहुवचन शब्द जानो और लिखो। एक चीज होती है तो हम मिठाई बोलते हैं, और ज़्यादा होती है तो क्या बोलते हैं, मिठाइयाँ। एक ककड़ी होती है तो उसे हम ककड़ी बोलते हैं, पर ज़्यादा होती है तो क्या बोलते हैं, ककड़ियाँ। पपीता, पपीते। आगे बर्फी, बर्फिया। ताली, तालिया। खीरा, खीरे। तो ये एक वचन बहुवचन है। आप लोगों को ये नोटबुक में अभ्यास एक्सरसाइज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप नोटबुक में लिखनी है। सेकंड नंबर, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द जानो। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। नाना, नानी। दादा, दादी। पिता, माता। लड़का, लड़की। थ्री नंबर, जोड़कर लिखो। ये शब्द है कुछ आप लोगों को ज्वाइंट करके लिखना है। तो क्या शब्द बन रहा है इसका, देखो। दीपावली, ना ने, नाशपाती, खीरा, पपीता, दीपक। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रश्नों के कुछ मौखिक उत्तर दीजिए। किसकी नानी आई, अवनी की नानी आई। किसकी नानी आई है, अवनी की। नानी क्या लाई, नानी जी मिठाई लाई। क्या लाई नानी जी, मिठाई लाई। अवनी क्या कर रही थी, तो अवनी इधर उधर टहल रही थी। दीपावली आई ऐसा बोल रही थी, और इधर उधर घूम रही थी मतलब टहल रही थी। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को नोटबुक में कंप्लीटली लिखनी है, ताकि आप लोगों को पता चले। ओके, थैंक यू।